जी हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? जनाब आज मार्केट में कोई ज्यादा आपको हलचल देखने को नहीं मिल रही होगी, थोड़ी बोरियत ही महसूस हो रही है। बीटीसी भी 21,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखो कल मैंने आपको टेलीग्राम पर एक पोस्ट शेयर करी थी कि भैया देखो बीटीसी 21,900 तक गया है, मैं अभी भी अपना लॉन्ग होल्ड करे बैठा हूँ। और आपने देखा होगा लेट इवनिंग तक बीटीसी 22,100 का लेवल भी टच करा था, यानी कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपने 21,500 के आसपास मेरे साथ में ट्रेड लिया होगा तो आराम से 10x के साथ में आपने 20% के आसपास का प्रॉफिट देखा होगा। अब वो अलग बात है कि प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया वो तो आपके ऊपर पूरा डिपेंड होता है। अभी भी आप प्रॉफिट में चल रहे हो 10% के आसपास का, तो देखो सिंपल सी बात है, क्या अभी भी हमें अपना लॉन्ग कंटिन्यू करना चाहिए? देखो मैं तो अभी अपनी पर्सनली बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा अभी अपना लॉन्ग क्लोज कर रहा हूँ, भले ही बीटीसी 22,500 तक चला जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा इमोशंस कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हाँ जो प्रॉफिट दिख रहा है वो ना चला जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। और कल यूएस का सीपीआई नंबर रिलीज होगा एज यू ऑल नो, और इस नंबर के आने से पहले भी मार्केट थोड़ा उथल पुथल दिखाता ही है, तो इसलिए मैं अभी क्या थोड़ा नया कोई ट्रेड ओपन नहीं कर रहा हूं और जो ट्रेड चल रहा है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूं। ये तो बीटीसी की लॉन्ग के बारे में बात हो गई। बीटीसी के अलावा स्पॉट के अंदर हमने 40% का प्रॉफिट सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर कमाया है, किसमें? एच बार के अंदर। आपने देखा होगा एच बार ने 40% तक का प्रॉफिट मारा है, तो कांग्रेचुलेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने भी इतना प्रॉफिट कमाया है। और भाई लोगों प्रॉफिट होता है तो कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, मोटिवेशन ही मिलता है, आपका कुछ नहीं जाता, विद इन सेकंड आप क्लिक कर दोगे बस हमें मोटिवेशन मिलेगा कि जिस तरीके से आप पसंद कर रहे हो थोड़ा और जेन्युइन तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा जाए, एज अ यूट्यूबर नहीं एज अ जेन्युइन पर्सन की तरह आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो प्रोवाइड कराऊं, तो लाइक कर दिया करो। अब बात करें अगर मार्केट की अपडेट्स के बारे में, ये अपडेट तो वैसे आपने मॉर्निंग में ही देख ली होगी कि बाइनेंस ने जो अपना फी स्ट्रक्चर चेंज करा था। पहले क्या था कि अगर आप यूएसडीटी ट्रांसफर करते हो ना तो पहले तो विड्रॉल फीस कितनी लगती थी? $1, अभी भी $1 ही लग गई है, लेकिन इन्होंने बीच में लास्ट अपडेट में भी मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप TRC20 के जरिए विड्रॉल मारते हो तो भैया आपको $2.26 के आसपास आई थिंक इतना विड्रॉल फीस देना होगा। बहुत सारे लोग है आपको तो लगता है अरे यार हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो $200, $500, $1,000 में ट्रेड करते हैं, लेकिन अभी भी काफी लोग है जो कि बेचारे $5-$10 के अंदर भी ट्रेड वगैरह करते हैं और उनके लिए अगर $2.6 ही विड्रॉल फीस होगी तो ज्यादा कमाई नहीं हो पाएगी, तो इसलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट बात है, खुशखबरी बात है कि हाँ वापस से हम नॉर्मल फीस कर दी गई है। इसके अलावा यहां पर ब्रेकिंग या फिर अभी तो ब्रेकिंग अपडेट नहीं रही लेकिन बड़ी अपडेट है पैक्सोस। पैक्सोस क्या है? जो आप BUSD स्टेबल कॉइन देखते हो ना, इनको वही इशू करती है पैक्सोस फर्म, यूएस की फर्म है ये, तो इनके ऊपर अभी SEC ने लॉसूट दायर करा है। क्यों किया है? वैसे मैंने पिछली अपडेट में भी बताया था कि ये थोड़ी बड़ी अपडेट इसलिए है क्योंकि अगर इनके ऊपर कुछ भी एलिगेशन साबित हो जाते या फिर जो भी इन्होंने कुछ कारनामे करे अगर वो सही साबित हो जाते तो BUSD के लिए थोड़ी सी चिंता वाली बात हो सकती है। घबराने वाली बात नहीं कि डीपेक वगैरह हो जाएगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं फंड क्रिएट हो ही जाएगा। अब बेसिकली सवाल ये भी है कि पैक्सोस के ऊपर इन्होंने लॉसूट दायर ही क्यों करा, इन्होंने ऐसा क्या कर्मकांड कर दिया? बेसिकली इन्होंने क्या करा है, यूएस के अंदर कुछ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लॉज होते उनको शायद उन्होंने ब्रेक कर दिया होगा पैक्सोस ने, और SEC का ये मानना है कि ये जो BUSD कर रहे हैं ना ये अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी देख रहे हैं, ठीक है, SEC के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इन्होंने लॉसूट दायर कराया। हाल फिलहाल देखते हैं कि जो भी करंट मार्केट की अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई वो क्या आती है और वो चीज मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक और फंड एंटर हो चुका है तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। इसके अलावा CPI नंबर की बात करें, कल CPI नंबर आएगा और जैसे ही आएगा आप सभी को पता है कि लगभग 3 से 4 सेकंड के अंदर मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर देता हूं, तो कल परसों तक टेलीग्राम को ज्वाइन कर ही लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहां पर पिछला डेटा क्या आया था 6.5, अभी यूएस की इन्फ्लेशन से कितनी उम्मीद लगाई जा रही है कि कम से कम थोड़े से कम होए और 6.3 के आसपास आए। दोबारा से रिपीट कर दूं, पिछला डेटा आया था 6.5%, अब एक्सपेक्टेशन लगा रहा है मार्केट 6.3 की। अगर एक्सपेक्टेशन के आसपास आता है ना तो ज्यादा कोई इतना बड़ा मूव नहीं आएगा जो कि पिछले पास्ट एक्सपीरियंस में हमने देख ही लिया है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में ज्यादा उथल पुथल या फिर डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल ही जाता है, ठीक है, तो ये चीज आपने देखी होगी। तो परसेंटेज वाइज मैंने बता दिया कि कैसा डेटा आएगा तो कैसा रिजल्ट रहेगा। इसके अलावा यहां पर मिस्टर मस्क वापस से मार्केट में आ चुके हैं, डोंट वरी जस्ट सम ऑफ माय एलियन UFO फ्रेंड्स ऑफ माइन स्टॉपिंग बाय। बेसिकली इन्होंने किसी भी तरीके से ना तो UFO के बारे में बोला, सिर्फ इन्होंने एलियन और UFO का एक इमोजी शेयर करी,
मुझे नहीं लगता कि ये यूएफओ के लिए होगा, ठीक है। यूएफओ 30-35% तक पंप हो गया। अब देखो, अगर आप सिर्फ रिप्लाईज को देख के, कमेंट्स को देख के, इधर उधर के वीडियोस को देख के अगर आप कूद पड़ते हो ट्रेड करने के लिए या फिर कुछ भी बाय वगैरह करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मार्केट में आपका कुछ प्रॉफिट होने वाला है। एक्सपीरियंस के बाद तो आप सीख ही जाओगे। तो यहां पर सिंपल सी बात है, यहां पर यूएफओ के लिए ये ट्वीट नहीं किया गया था, जितना मुझे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे तो देखो, इलोन भैया के मन की बात तो कोई समझ नहीं सकता। लोग तो इसको बेबी डोज से भी रिलेट कर देंगे, डॉज कॉइन से भी रिलेट कर देंगे, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अक्सर देखा गया है कि अगर किसी क्रिप्टो करेंसी का नाम इनके किसी भी ट्वीट से मिलता जुलता हो जाता है तो पंप जनरली आ ही जाता है, और वो चीज आज भी हमें देखने को मिली। लेकिन जो साफ साफ चीज समझ में आई वो था ये ट्वीट, ठीक है। रिप्लाई था बेसिकली इलोन मस्क, यहां पर आप देख सकते हो इलोन मस्क इज सिटिंग नेक्स्ट टू फॉक्स न्यूज ओनर रूपर्ट। तो यहां पर मतलब कॉमेडी के लिहाज से आप देख लो, या फिर इन्होंने कुछ रॉन्ग आंसर के लिए बोला, और इसमें इन्होंने डॉज कॉइन रिप्लाई दिया। यानी कि आप देख सकते हो कि अभी भी डॉज कॉइन के प्रति ये किस तरीके से फनी वे में मार्केट में बात करते रहते हैं, और उसका असर हमें थोड़ा बहुत डॉज कॉइन पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये चुटकले या फिर वो कहते ना कि चुटकारे मारते रहते हैं, बस उसी तरीके से इन्होंने रॉन्ग आंसर में डॉज कॉइन का नाम लिखा, और इधर भैया डॉज कॉइन लगभग 5-6% पंप हो गया। अब देखो, इस तरीके से अगर ये ट्वीट करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी ट्वीट की कोई आगे वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अब जो समझ में आता है ना, लोग अब इनके ट्वीट्स को इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि 21 में देख लिया लोगों ने। लेकिन ये सच बात है कि ये डॉज कॉइन के प्रति पैशनेट है, डॉज कॉइन को लेकर काफी ट्वीट्स वगैरह भी करते रहते हैं। लेकिन अगर इन्होंने कुछ सीरियस ट्वीट कर दिया, भले ही वो ट्विटर इंटीग्रेशन से जुड़ा हो या फिर उनकी टेस्ला कार से जुड़ा हो, मार्केट में डॉज कॉइन का वापस से हमें दूर आता हुआ दिख सकता है, अगर कुछ इनकी तरफ से सीरियसली अपडेट आ जाती है, वरना अभी कुछ इतना एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे हम, ठीक है। तो ये डॉज कॉइन के बारे में बात हो गई। शिबा को लेकर हाइप चल रही थी पिछले 14 दिनों से, क्लियरली मैंने भी बताया, सब लोगों ने बताया होगा, और आपको भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पता था कि ये सिर्फ हिंट है, और ऐसे हिंट इन्होंने बहुत पहले भी दिए थे जिसके खामियाजे लोगों ने उठाए हैं। यानी कि ये कह तो देते हैं कि भैया ऐसा शिबेरियम का हो सकता है, शिबेरियम की डेट आ सकती है, लेकिन जब डेट पास आ जाती है तो ये अपने हाथ खड़े कर देते हैं, और वो चीज हमें कल भी देखने को मिली। सतोशी कोसामा ने अपना जो ट्विटर बायो में जो हिंट था उसको ही डिलीट कर दिया। इससे क्या समझ में आता है कि ये इस तरीके से ये जो दोगलेपंती होती है ना, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी फेक हाइप क्रिएट कर देते हैं, और इससे नुकसान होता है सिर्फ नए नवेलों को। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इस हिंट का कुछ असर ही या कुछ हाइप ही नहीं बनी, इन्होंने कोशिश करी हाइप बनाए रखने के लिए। और मैं तो देखो सिर्फ इतना सही अपना ओपिनियन देना चाहूंगा, अभी इस मौसम में शिबेरियम लाके को इनका इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग वैसे भी सुस्त बैठे हुए हैं, मार्केट वैसे भी सुस्त चल रहा है। अगर शिबेरियम लॉन्च भी हो जाती है तो इतना ये धूमधमाका नहीं करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिबेरियम को थोड़ा इनको और डिले कर देना चाहिए। फेक हाइप से कोई मतलब नहीं है, अगर ये लाना ही चाहते हैं, एक्चुअल डेट इनके पास है, तो ये एक दिन आके या 10 दिन पहले ही आके थोड़ा सा हाइप उस समय क्रिएट कर सकते हैं, इससे कम से कम एक्चुअल हाइप बनेगी, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये कि भैया जो हाइप थी वो धीरे धीरे एंड होती हुई दिख रही है, क्योंकि शिबेरियम की अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। ओके, अगली अपडेट पॉलीगोन मैटिक से जुड़ी हुई है, वन ऑफ द जेम कॉइन ऑफ अवर क्रिप्टो मार्केट। बेसिकली वापस से एक कोलैबोरेशन हुई है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, डीफाई प्रोटोकॉल क्लियर पूल चूजेस पॉलीगोन नेटवर्क फॉर इट्स इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग प्लेटफॉर्म। अब कितनी अपडेट मैंने आपको बताई दी, आई थिंक ये अपडेट भी अब आपको ऐसे ही लग रही होगी, हाँ भाई वो तो वही बात है कि सोने पर थोड़ी और पॉलिश हो गई। तो इतनी बड़ी बड़ी जो कोलैबोरेशन हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनी है, फर्म्स है, वो पॉलीगोन की चेन को सेलेक्ट कर रही है, तो ये पॉलीगोन के होल्डर्स के लिए एक कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि हाँ, जिस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने पैसा डाला हुआ है ना, वो मार्केट के अंदर अपना कितना काम कर रहा है, कितना लोग उसको एडोप्ट कर रहे हैं, कितनी कोलैबोरेशन कर रहा है। तो बस यही है कि एक और पॉजिटिव अपडेट आई है। अब इस रिपोर्ट को इतना घुमा फिरा के या फिर डिटेल से मैं समझाऊंगा नहीं, कुल मिला के आप इन शॉर्ट ये बात समझ लो कि हाँ, डीफाई प्रोटोकॉल ने इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए पॉलीगोन नेटवर्क को सेलेक्ट करा है, ठीक है। और आखिरी अपडेट है रिच डेट पुअर डेट के फाउंडर हमारे प्यारे रॉबर्ट कियोसाकी जी, जिनकी प्रेडिक्शन अक्सर गलती साबित होती है। इन्होंने बेसिकली अभी एक और प्रेडिक्शन दी है कि एवरीथिंग विल क्रैश, प्लान टू बाय मोर बिटकॉइन। तो देखो, ये भी कहीं ना कहीं अपने लेवल पे थोड़ी सी हाइप क्रिएट करते रहते हैं बिटकॉइन की। इन्होंने ये कहा है कि सिल्वर हो, गोल्ड हो या फिर बिटकॉइन हो, इन सभी की कीमतें गिरने वाली है, गिर सकती है, क्रैश हो सकती है, तो ये बिटकॉइन को और बाय करने जा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है सीरियसली कि क्या बिटकॉइन यहां से वापस से आपको क्या 19,000-18,000 तक देखने को मिलेगा या नहीं, कमेंट करके जरूर से बताना। आई होप आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। अगर ये सारी अपडेट्स आपको लगती है कि हाँ, इससे आपका कुछ फायदा होता है, कुछ ट्रेड लेने में सहूलियत मिल जाती है, तो ये चीज भी कमेंट में बताना।
तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।